हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है करंट अफेयर्स एंड एजुकेशन चैनल में। आज 31 मई और 31 मई से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होंगे जो कि हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, उसको हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन आंसर के बेसिस पे। करंट अफेयर्स में डिफरेंट टॉपिक्स होते हैं जैसे कि साइंस एंड इनोवेशन, बुक्स एंड ऑथर्स, अवार्ड्स एंड पर्सनैलिटीज़, स्पोर्ट्स, नेशनल न्यूज़, हेल्थ नेशन, वर्ल्ड अफेयर्स, कमिटीज़ एंड कॉन्फ्रेंसेस। ये सब क्या है, करंट अफेयर्स के डिफरेंट कैटेगरीज है जिससे कि एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। पहला क्वेश्चन है साइंस एंड इनोवेशन से रिलेटेड, किसने नैनो यूरिया की शुरुआत की है। तो हाल ही में भी इफको ने नैनो यूरिया की शुरुआत की है। इफको का मतलब भारतीय किसान उर्वरक सहकारी है, संघ है, भारत में स्थित सबसे बड़ा सहकारी संघ है ये। नैनो यूरिया की बात करें तो ये 500 मिलीलीटर की नैनो यूरिया होगी जिसकी लागत 240 रुपये होगी और 500 मिलीलीटर 45 किलो यूरिया के बराबर होगी। इससे खेती की लागत कम होगी और उपज ज़्यादा होगी और गवर्नमेंट को सब्सिडी से भी निजात मिलेगा और विदेशी कोष पर भी भार कम होंगे। अब इफ़को की बात कर लेते हैं तो इफ़को का फुल फॉर्म है इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइज़र कोऑपरेटिव लिमिटेड। इसकी स्थापना 3 नवंबर 1967 में हुई थी। वर्तमान में अध्यक्ष B.S. नैकई हैं और भारत विश्व की दूसरी सबसे बड़ी खेती वाला देश है। इतना जानेंगे इस क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्ट्स के बारे में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन डिफेंस एंड सिक्योरिटी से रिलेटेड है, किसने गश्ती जहाज सजग को देश की सेवा के लिए लगाया है। तो हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार श्री अजीत डोभाल ने गश्ती जहाज सजग को लगाया है। इसे भारतीय तट रक्षा के लिए लगाया गया है। इसकी शुरुआत आभासी तरीके से हुई है तो वर्चुअल मीटिंग में ऑनलाइन मोड में इसके इनॉग्रेशन हुए हैं। इसका पूरा नाम OPV ऑफशोर पेट्रोलिंग वेसल सजग है जिसको कि गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा बनाया गया है। सबसे गहरा भाग, अब कुछ फैक्ट्स इंडियन ओशन से रिलेटेड जान लेते हैं। तो सबसे गहरा भाग हिंद महासागर में जावा ट्रेंच के नाम से जाना जाता है। इसका कुल तटीय क्षेत्र 41,337 माइल है। यह पृथ्वी का 20% हिस्सा घेरता है। भारत में कुल 13 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं जो तटीय क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा नेशनल न्यूज़ रिलेटेड, लिखा है तमिलनाडु के किस जिले को चावल का कटोरा बोला जाता है। तो तंजावुर को क्या तमिलनाडु का चावल का कटोरा बोला जाता है। अभी अभी यह चर्चा का विषय रहा है। यहाँ से 4.5 मेट्रिक टन चावल घाना और यमन में भेजा गया है। इसी तरह लाल चावल आसाम से भेजा गया है अमेरिका में मार्च 2021 में। बात तमिलनाडु की हो रही है, तमिलनाडु के बारे में कुछ तथ्य जान लेते हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. Stalin हैं, गवर्नर है बनवारीलाल पुरोहित। विधानसभा सीटें 234 हैं, राज्यसभा सीटें 18 हैं, लोकसभा सीटें 39 हैं। राज्य का नृत्य क्या है, भरतनाट्यम। जानवर क्या है, राजकीय जानवर नीलगिरी तरा। और पक्षी क्या है, राजकीय एमराल्ड डोव। और खेल कौन सा है राजकीय, तो कबड्डी। तमिलनाडु केरला कर्नाटका और आंध्र प्रदेश से जुड़ता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गवर्नमेंट स्कीम्स रिलेटेड है, युवा प्रधानमंत्री योजना किसके द्वारा शुरू किया गया। तो अभी हाल ही में शिक्षा मंत्रालय द्वारा युवा प्रधानमंत्री योजना शुरू किया गया। इसके तहत यह लेखक से जुड़ी योजना है जिसके तहत 30 साल से कम लेखकों को प्रोत्साहन और मार्गदर्शन दिए जाएंगे। इसका कार्यभार राष्ट्रीय किताब ट्रस्ट द्वारा देखा जा रहा है। नेशनल बुक ट्रस्ट एक भारतीय प्रकाशन संस्थान है जो कि शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत काम करती है। इसकी स्थापना 1957 में पंडित नेहरू द्वारा की गई थी। वर्तमान में इसके अध्यक्ष गोविंद प्रसाद शर्मा हैं, शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक हैं। वर्तमान में 1947 में इसकी स्थापना हुई थी इस मंत्रालय की। इसका नाम बदलकर 1985 में मानव संसाधन मंत्रालय रख दिया गया था राजीव गांधी सरकार में, लेकिन नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट में फिर से इसका नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन नेशन एंड हेल्थ से रिलेटेड है, पहला एंटीबॉडी कॉकटेल थेरेपी कहाँ पर शुरू हुआ है। तो हाल ही में गुरुग्राम में पहला एंटीबॉडी कॉकटेल थेरेपी शुरू की गई है। इसमें मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ हैं जो कि हमारे इम्यून सिस्टम को ज़्यादा ताकतवर बनाते हैं। यह तरीका HIV वोला जैसे बीमारियों के लिए अपनाया जा चुका है। इस दवा से ट्रम का भी इलाज किया जा चुका है। तो जितने भी एंटीबॉडीज़ हैं वो आर्टिफिशियल एंटीबॉडीज़ क्रिएट करके पेशेंट में इसका इस्तेमाल किया जा रहा है जिससे कि रोग थाम में मदद मिले। अगले क्वेश्चन चलते हैं, अपॉइंटमेंट्स रिलेटेड है, किस नियम के तहत भारत ने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव अलापन बंदोपाध्याय को बनाया है।
भारत सरकार ने तो अभी हाल ही में अलापन बंदोपाध्याय को वेस्ट बंगाल का चीफ सेक्रेटरी बनाया गया है। नियम 6 आई भारतीय प्रशासनिक सेवा इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस 1954 के अंतर्गत यह कार्य किया गया। यह घोषणा डिपार्टमेंट ऑफ पर्सोनल एंड ट्रेनिंग द्वारा की गई है। यह विभाग सभी सरकारी भर्ती और नियुक्तियों को देख रेख करती है। प्रधानमंत्री इसकी अध्यक्षता करते हैं। तो बात पश्चिम बंगाल की हो रही है तो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं, राज्यपाल जगदीप धनखड़ हैं। विधानसभा सीटें 284 हैं, राज्यसभा सीटें 16 हैं, लोकसभा सीटें 42 हैं और इसका हाईकोर्ट कलकत्ता हाईकोर्ट है। राजकीय जानवर फिशिंग कैट है, राजकीय पक्षी किंगफिशर है और राजकीय पेड़ छतीम है और राजकीय फूल जैस्मिन है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, वर्ल्ड अफेयर्स रिलेटेड है। किस देश ने यह माना है कि नामीबिया में 1904 में होने वाले नरसंहार उसके वजह से हुआ था? तो यह बात जर्मनी ने भी एक्सेप्ट की है। यह नरसंहार हिरेरो और नामा लोगों के खिलाफ हुए थे। जर्मनी ने कुल 102 करोड़ रुपए की मदद राशि देने की घोषणा की है नामीबिया को। तो बात जर्मनी की हो रही है, जर्मनी के राष्ट्रपति फ्रैंक वाल्टर स्टेमर हैं। इसकी राजधानी बर्लिन और इसका करेंसी यूरो है। नामीबिया एक दक्षिण अफ्रीका का देश है, यहाँ पर नामीब मरुस्थल भी है। राजधानी इसकी विंडहोक है, राष्ट्रपति हेज जिनजॉब है और मुद्रा इसकी साउथ अफ्रीकन रैंड है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेशनल न्यूज़ रिलेटेड है। 220 किलोवाट श्रीनगर द्रास कारगिल खालिस्ती स्थानांतरण प्रणाली किसके द्वारा पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को सौंप दिया गया? तो अभी मिनिस्ट्री ऑफ पावर ऊर्जा मंत्रालय द्वारा यह कार्य किया गया है। उनके ऊर्जा मंत्रालय में मंत्री हैं राजकुमार सिंह है। यह मंत्रालय सन 1992 में बना था। यह लद्दाख को राष्ट्रीय विद्युत वितरण तंत्र से जुड़ेगा। इसे 3000 से 4000 मीटर ऊंचाई पर बनाया गया है। कुल दूरी इसकी 335 किलोमीटर लंबा वितरण है। बात लद्दाख की हो रही है तो लद्दाख एक केंद्र शासित प्रदेश है। यहाँ की राजधानी लेह है और उपराज्यपाल राधाकृष्ण माथुर हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, इकोनॉमी से रिलेटेड है। किसने ऑनलाइन किराना व्यापार बिग बास्केट में 64% की हिस्सेदारी खरीद ली है? हाल ही में भी टाटा डिजिटल ने यह कार्य किया है। उसने 64% की हिस्सेदारी बिग बास्केट में परचेस कर ली है। यह एक सुपरमार्केट ग्रोसरी सप्लाई बिजनेस है। बिग बास्केट बोर्ड ने इसकी अनुमति दे दी है और सभी टाटा डिजिटल और अभी टाटा डिजिटल ने इसमें 20 करोड़ मूल पूंजी के तौर पर भी लगाया है। तो बात बिग बास्केट की हो रही है तो इसकी शुरुआत 2011 में की गई थी। हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है और इसकी शुरुआत विपुल पारेख और वी एस सुधाकर द्वारा की गई थी। तो आज का सेशन कैसा रहा, थोड़ा सा भी मदद हुआ हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट करना ना भूलें और अपने जितने भी फ्रेंड सर्कल हैं उसको शेयर करें ताकि आगे के अपडेट्स के लिए जुड़े रहें। बहुत बहुत